कोटा जयपुर नेशनल हाईवे बसोली मोड़ पर रॉयल्टी नाका हटाने और बजरी गाड़ी से अवैध वसूली बंद करने की मांग को लेकर संघर्ष समिति जिला बूंदी की अगुवाई में स्थानीय लोग सड़कों पर उतरे। बीजेपी नेता व पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल व रूपेश शर्मा की अगुवाई में स्थानीय लोगों धरने पर बैठ गए और NH-52 हाईवे पर जाम लगा दिया। लोगों के हाईवे पर जाम करने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर प्रदर्शनकारियों से समझाइश में जुटे हैं। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने दोनों साइडों पर 1 किलोमीटर पहले ही वाहनों को रोका है। प्रदर्शन में कई गांवों के लोग शामिल हुए हैं। प्रदर्शनकारी दोपहर में सतुर माता जी मंदिर के पास इकट्ठा होकर वहां से बाइक व कारों में सवार होकर रैली निकाली और बसोली मोड़ तक पहुंचे। करीब 4:15 बजे तक हाईवे पर धरने पर बैठे रहे। प्रदर्शनकारी बसोली मोड़ से रॉयल्टी नाका हटाने, बजरी गाड़ियों से निर्धारित दर से कहीं ज़्यादा वसूली बंद करने की मांग पर अड़े थे। साथ ही कुछ दिन पहले 4-5 युवकों की पिटाई करने के मामले में हिंडोली CI को सस्पेंड करने की मांग भी इस दौरान की गई। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल का कहना है कि जब तक मांगें पूरी नहीं होगी धरना खत्म नहीं करेंगे, एक भी वाहन को इधर से उधर नहीं जाने देंगे। बजरी माफिया का नाका हटाने के लिए सरकार क्या कर रही है, लिखित में लाइए। मंगवालियों को राजी करने के लिए हिंडोली CI और 5 पुलिस वालों ने अपराधियों की तरह यहाँ टेंट उखाड़ कर लोगों को उठाकर पेड़ों पर उल्टा लटका लटका कर मारा है। उस CI और 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित करने के बारे में सरकार क्या कर रही है, इस बारे में लिखित में बात चाहिए। उसके बिना हम धरना नहीं उठेगा। दम है तो लाठी चलाए, जेल में धरना नहीं उठेगा। हटाने का प्रयास किया तो कहां तक डटे रहेंगे आप? मरते दम तक डटेंगे, या तो लाठी मार के अस्पताल पहुंचा दे या जेल पहुंचा दे। जिंदगी भर हो जाए। इसमें किसका भू माफिया, बजरी माफिया में किसका नाम आ रहा है, क्या है उनके बाद क्या है? बजरी माफिया जो बजरी का ठेकेदार है, जिसकी होटल में सचिन पायलट के डर के मारे ये सरकार 42 दिन तक मेहमान नवाजी करवाती रही। हमें बचाओ, संरक्षण दो, सचिन पायलट हमारी लुटिया डुबो देगा। क्या देगा? मंत्री जी का नाम जानना चाहती है जनता। मंत्री नोल है उसमें तो सारी सरकार को बचाया बजरी माफिया ने। उसी के होटल में जैसलमेर जाके रुके मंत्री जी, तो वहाँ कुक की तरह चिकन बिरयानी बना रहे थे रेस्टोरेंट में। फोटो नहीं देखा क्या आपने? कुक की ड्रेस में आपके मंत्री का, मुझसे पूछ रहे हो? तो जब तक बैठे रहेंगे, जब तक न्याय नहीं होगा बैठे रहेंगे। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज़, और प्रेस करें बेल आइकन को।